जिक्र है कि कहीं पर एक शख्स था और वो अपनी सलीब उठाने से बड़ा थक चुका था। उसने एक दिन कहा, आए खुदावन, मैं सलीब को उठाते हुए थक चुका हूँ, मैं सलीब को जानना चाहता हूँ। यीशु ने कहा, ठीक है, उस कमरे में दाखिल हो और वहाँ पर बहुत सी सलीबें हैं, तू अपने लिए कोई सलीब उठा ले और जो सलीब तू अपने लिए चुनेगा उठा लेगा वो ही तेरी सलीब होगी। वो शख्स उस कमरे में दाखिल हो गया और सारा दिन वो अपने लिए सलीब ढूंढता रहा। हम सबको चेहरा था, तेरा शुक्र हो, खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, तेरे लोग इसीलिए हम बच गए, ओखदम तेरी जान देने के इसीलिए हम बच गए, क्योंकि खुदा तूने हमारी खातिर, तूने अगर कोई ऐसा गुनाह नहीं किया तुम्हारे गुनाह की खातिर, तूने अपनी जान देकर हमें सबको बचा लिया, और खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। खुदा उन तमाम बेटियों बेटों के लिए, खुदा जिन्होंने तेरे और अपना हाथ उठाकर इकरार किया, खुदा जो जिन्होंने कहा हम तेरे साथ चलेंगे, खुदा उनको बड़ी बरकत देना, उनकी तमाम मुसीबतें तकलीफें तेरे यीशु नाम से जाती रहे, उनकी तमाम बीमारियां तेरे नाम से जाती रहे, उनके घर के तेरे नाम से दुरुस्त हो, कि किसी चीज की कमी ना रह पाए, तू एक एक टच करना, हम सब खादम मिलकर खुदा इनके लिए तमाम बरकत चाहते हैं, हम सब खादम मिलकर तमाम क्रिश्चियन के लिए बरकत और सलामती मांगते हैं, इनकी तमाम बीमारियां तेरे नाम से जाती रहे। खुदा इन्होंने तेरा खूबसूरत कलाम सुना है, क्योंकि कलाम सुनने के वसीले तमाम बंधन चूहे टूट जाते हैं, कलाम के वसीले तमाम अपनी सिकुड़ते भाग जाती है। तेरा शुक्र हो, हालेलुया, तेरा शुक्र हो, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र हो, क्योंकि तूने हमें सब को। आपकी जोरदार तालियों में हम खुदा का पाकलाम लोगों को देंगे। अफरीज, आपसे प्रभात है कि ये पाकलाम को आप प्लीज बंद करके ना रखें, खुदा का जिंदा कलाम है, इसको आप जरूर पढ़िएगा और खुदा आपको बरकत देगा।